हाजिर, आप सब सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सलाम नमस्ते कैलगरी ऑन रेडियो सुरस इन कैलगरी। अगर आप एडमंटन में हैं तो रेडियो सुरस अगर इन एडमंटन, या तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमें फेसबुक पर देख रहे हैं गाइस, सो थैंक यू सो मच। यस, आई कैन सी देयर आर लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग फ्रॉम बेसिकली अराउंड द ग्लोब राइट नाउ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। आपको जैसे पता है कि आज हमारे गेस्ट कौन है, सो ऑफकोर्स विल बी टॉकिंग टू हिम वेरी वेरी सुन। लेकिन सबसे पहले मेरी मेरी कोहोस्ट सलमा जी मेरे साथ है। हेलो सलमा जी। याली मदद, क्या हाल है? याली मदर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ अबाउट यू? ईद मुबारक। यस हेलो, यस यस, हमारे सारे देखने वालों को ईद मुबारक। या सब होपफुली आप लोगों को सब ईद की ईद मुबारक। बहुत अच्छी रही होगी। और जी, इस और वक्त अपना सलमा जी, जो ईद पे है बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे थे, जैसे हमने शुक्रन का जो प्रोग्राम देखा इस्माइली टीवी पे, इट वाज वंडरफुल। 10 आवर्स का म्यूजिक था, आर्टिस्ट अराउंड द ग्लोब थे। फिर एक और अपना म्यूजिकल शो हुआ था सुहाना सफर, जो कि हमारे फ्रेंड रिज यादव जी हुसैन लदा ने किया था। इट मैन वेरी वेल एज वेल। सो सारे आर्टिस्ट ने बहुत मेहनत की, और हमारे व्यूअर्स हैं दुनिया भर में, सबको जो है बहुत मजा आया। जी, सब बहुत अच्छा प्रोग्राम गया। लोगों को इतना ज्यादा लोनलीनेस नहीं फील हुई, बिकॉज काफी अच्छे प्रोग्राम होते रहे दिन भर, जी और लोग वर्चुअली मिलते रहे, और कोई लोग दूर दूर से जाके मिले। लोगों ने बाहर पार्क्स में पिकनिक्स मनाई, ड्राइव थ्रू गए ये लोग सब घरों पे। काफी सारे लोगों ने इनोवेटिव आइडियाज चूज करे कि जी किस तरह से लोगों तक पहुंचे, कनेक्शन हो सबका। जी तो एक तरीके से बोरियत नहीं हुई, काफी लोगों ने एंजॉय करा, और एक तरीके से अच्छा हुआ कि बाहर निकले लोग, मौसम बहुत अच्छा था। तो ऑल दीज थिंग्स, लाइक इट मेड लॉट ऑफ डिफरेंस। मुझे That's right. लगता है कि सब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्लोज फैमिली मिलकर बैठी और दूसरों से जाकर दूर से मिले, और गिफ्ट्स, बास्केट्स एंड फ्लावर्स एंड खाना सबको पहुंचाया गया, जी तो वो बहुत अच्छा रहा। जी जी हमें बहुत से लोग देख रहे हैं बिफोर आई, जो हमारे गेस्ट को हम लें, इससे पहले लता जी ने लिखा है कि बहुत ही अच्छा शो है। मेहर है, टीना, करीम इस्माइल, राशिद बांजी, फेडी फैब इज वॉचिंग फ्रॉम या थैंक यू एवरीवन, या पोर्टुगल। पाकिस्तान। देन आरिफ एमन, निशा, ऑफ कोर्स शी इज अ रेगुलर, या जरीन, मलिसा, मुमताज, आरिफ, अलीम, संध्या, रिश जादव जी, ऑफ कोर्स इज अवर बिग सपोर्टर, रहीम राजन, नफीसा, यास्मीन, तंजील, सुलेमान, शहजाद, नाजनी, नेरोस, देयर सो मेनी ऑफ देम आर वाचिंग। या सो लेट्स इंट्रोड्यूस गाइस आवर गेस्ट फॉर टुनाइट। इनको मैं बचपन से जानता हूँ, जब भी वो अपने डायपर्स में, आई नो सिंग्स दैट। सो Does लेट he live in Calgary? नो ही वाज इन, या नो एक्चुअली ही इज इन ह्यूस्टन, लेकिन ये ही वाज इन पाकिस्तान, कराची ओ, पाकिस्तान से जानते हो तुम? से। यस, लेट अच्छा मी अच्छा इंट्रोड्यूस टू यू गाइस वन एंड ओनली कमाल हाजी।
या मदद जलाल भाई, सलमा जी कैसे हैं? बस ठीक है। आपसे तो हमारी पहली मुलाकात हो रही है। जलाल ने बताया आप, वो तो आपको जानते हैं जब से आप डायपर्स में थे, तो मैं तो आपको इतने अरसे से नहीं जानती, लेकिन इट इज सो नाइस टू हियर फ्रॉम यू एंड हियर योर म्यूजिक। इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो लाइवली, बहुत अच्छा लगा सुन के कानों को, बहुत मजा आया। बहुत शुक्रिया, यू आर वेरी काइंड। हमारी एक्चुअली रेडियो पे पहले मुलाकात हुई थी, काफी अच्छा बिलीव हुआ। 2 साल हो गए शायद। हाँ, हाँ, तो काफी अच्छा। आवाज के थ्रू हमारा तारुफ हुआ था और हमारी बातचीत हुई थी, जी, और आज जो है वो वर्चुअली बोल आपका रहे बिल्कुल ईद हैं मुबारक आपको, बहुत बहुत आपकी फैमिली को। कैसी रही आपकी ईद? आपको भी, आप लोगों को भी बहुत। शुक्रिया, आपकी ईद कैसी गुजरी? अच्छी थी माशाल्लाह। घर में ही थे ऑफकोर्स, वी आर मेकिंग अ पॉइंट टू स्टे होम। या और जो जैसे तो जिक्र किया जलाल भाई ने कि वो जो शुक्राना कॉन्सर्ट हुआ था, जी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और हमारी टीम को मिला था पार्टिसिपेट करने का चांस। तो वो देख रहे थे हम, दूसरे इतने सारे माशाल्लाह हमारे इस्माइली आर्टिस्ट अराउंड द ग्लोब उन्होंने परफॉर्म किया, तो जी बहुत उसको अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। तो अच्छा, और साथ में वो जो सुहाना सफर था उसका भी हमने ग्लिम्स चेक किया। उसके अलावा दूसरे छोटे छोटे और काफी रिलीजेस थे, इंडिविजुअल म्यूजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस थे हमारे यूएसए के कई आर्टिस्ट, दे गॉट टुगेदर ऑल्सो, दे पुट टुगेदर। तो बहुत अच्छा एक ओवरऑल जो एक प्रेजेंटेशन जो था ना सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा अच्छा था। तो एंजॉय किया हम लोगों ने उसको यार, नहीं, बिल्कुल। आप जैसे बहुत सारे लोगों को, आप जैसे लोगों से इसी तरीके से मिलना हो रहा है, क्योंकि जी काफी लोग नहीं मिल सकते इस लता, तरीके से। बट दिस सोशल मीडिया एंड दिस सो मेनी डिफरेंट टेक्निक्स हैव ब्रॉट एवरीबॉडी टुगेदर। दे हैव योर राइट। हम लोग एक्चुअली वही फिगर आउट कर रहे थे कि यार ये अगर म्यूजिक बजाना है लाइव जी या बात करनी है तो क्लैरिटी कैसे लाई जाए साउंड में। तो हमारे जी जितने जो आर्टिस्ट हैं, जो जिनकी आदत है, जो यूज्ड टू हैं एक लाइव सेटिंग में परफॉर्म करने के लिए, जी वी हैड टू फिगर आउट कि हम किस तरह, हम जो भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है हमारे पास, वी पुट दैट टू वर्क, और किस जी तरह हम साउंड को थोड़ा सा क्लियर कर सकें ताकि जो यूजर एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा बेहतर हो। तो वो सही ही है। कोशिश जारी है हमारे अभी भी, वी आर स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन इट। या जी। और ईद पे ऑफकोर्स आई ऑल्सो हैड द अपॉर्चुनिटी टू यू नो राइट द न्यू सलीम सुलेमान सॉन्ग मालिक मेरे, तो मालिक उसका मेरे, तो नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बहुत जी खूबसूरत है उसकी म्यूजिक, बहुत खूबसूरत है। उसकी म्यूजिक जस्ट लाजवाब है। जी बहुत ही एक उसमें यूफोरिया तो है लेकिन साथ में एक डिविनिटी भी है, जी सही कह और रहे जो एक टिपिकल सलीम सुलेमान साउंड है जो इंसान सुनने वाले को कई और ही ट्रांसफॉर्म कर देता है। सही। तो उनके लिए, उनके साथ काम करना हमेशा एक मेरे लिए एक मेरे लिए प्रिविलेज रही है। मजा आता है बहुत, और उनका साउंड ही आपको इतना पुश करता है कि एक अच्छा जी काम हो ही जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी और पूरा वो भी जो प्रोजेक्ट था वो सब अपने अपने घरों में बैठे थे, और यस जी उन्होंने बिल्कुल कंपोज भी वही हुआ, लिखा भी वैसे ही किया, फिर रिकॉर्ड भी वैसे ही हुआ, एडिट भी वैसे ही हुआ, जी प्रोड्यूस, अब सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सब चर्चा हो रहा है वो सब, इट वॉज ऑल वाइल वी वर स्टेइंग होम। तो उस वो ओ मालिक मेरे को लेके काफी सोशल मीडिया एक स्टॉर्म आया हुआ है। तो हालांकि मैं आई वॉज इन द फ्रंट फेज, बट उसके बावजूद यू नो बिकॉज आपका नाम है वहां पे, तो इतने सारे मैसेजेस आते हैं और इतने सारे आप यू 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 वांट टू लिसन टू ऑल द मैसेजेस एंड रीड पीपल्स फीडबैक ना, That's तो right. उसमें काफी टाइम उसमें भी जा रहा है कि देखने के लिए भाई लोग कैसा उसको एक्सेप्ट रिसीव कर रहे हैं। Receive कर तो रहे उसकी एक हैं। अपनी एक एंजाइटी होती है। जी तो जी बिल्कुल। कमल, you know, if you remember 2017 में जब जुबली मुबारक आया था, it was a June 1st when they released the first song of Jubilee. हाँ So that time he mentioned your name and you know I think then nobody, किसी को पता नहीं था कि जो कमल हाजी, he can write as well, राइट राइट, right? जी 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 So जी if I catch बिल्कुल। you back, you know, when you were in Karachi, like, you know, when we were together in Garden Scouts, हाँ so, you know, तो ये तुम्हारा जो है लिखने का वहीं से स्टार्ट हुआ था, because I didn't know that time either. हाँ हाँ बिल्कुल जलाल भाई, यू रिमेम्बर ना कि हमारे पास जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे उस वक्त, जो हमारी कम्युनिटी सेटिंग में जमात खाने में, वी हैड वी वर पार्ट ऑफ द दरखाना बॉयज स्काउट्स यूनिट इन कराची पाकिस्तान, एंड वी वर आल्सो अ वेरी हेवीली एंड एक्टिवली इन्वॉल्व इन REC, नाइट स्कूल जिसको हम कहते थे। फिर आई वॉज अटेंडिंग हबी पब्लिक स्कूल, वहां पे भी ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत होती थी। सो हमारे पास ऐसा एक माहौल था कि जहाँ पे बहुत ही जो जनरल पब्लिक को एक स्टेज मिलता था और आपको अपना टैलेंट शोकेस करना
करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता था, तो वहीं से सिलसिला शुरू हो गया था. और फिर यहाँ पे आके ऑफकोर्स मैं पढ़ाई कर रहा था, देन आई स्टार्ट प्लेइंग लाइव एंड आई नेवर स्टॉप राइटिंग. इट्स जस्ट दैट आई नेवर मेड अ पॉइंट टू पब्लिश माई वर्क, बट देन दैट स्टार्टेड राइट अराउंड डायमंड जुबली. एंड देन एक के बाद दूसरा प्रोजेक्ट हुआ, और फिर ऑफकोर्स मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली जुबली मुबारक में कोलैबोरेट करने की, सलीम सुलेमान एंड सो मेनी आर्टिस्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो वहां से फिर आई जस्ट इट इनकरेज मी, और फिर मैंने कहा कि चलो लेट्स जस्ट स्टार्ट पब्लिशिंग आवर वर्क एट द सेम टाइम. तो आपको इरफान, थैंक यू इरफान, शुक्रान. लोग ऐसे जो सपोर्ट मिलता है ना, जब फ्रेंड्स का, फैमिली का, लोगों का, तो एक बड़ी खुशी होती है. और ऑफ कोर्स ये कैमरा साहब रिज, या अली मदद, यू आर लाइक कैमरा साहब रिज, तो बस he has हम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उन्होंने भी हमें. Yes. Yeah. He has taken all the Somali artists to the next level. You know, एक encouragement मिलती है, like. Yes, you know, very true, very true. Yeah. बिल्कुल. Yeah. तो आप कब से, what did you start first? Did you start writing or composing, or how did everything started? I think it all started with singing a little bit in school. Achcha. Yeah. Achcha. जैसे लप्पे आती है दुआ है, right? ए मलिसा. सबकी favorite. हाँ, तो वो जैसे वो गा रहे, फिर मिली नगमे थे जैसे, hey Rosie, my sister has joined. So she lives in Toronto. She used to live in Calgary. जी उससे पहले ह्यूस्टन में थी. ये तुम्हारी सिस्टर है रोजी? हाँ, रोजी अजी इज माय सिस्टर. यू नो इनके जो हस्बैंड है, इनका नाम क्या है, मैं भूल गई, बिकॉज़ ही यूज्ड टू बी समीर. वो कैलगरी में थे भाई. या समीर, आई नो हिम. ओह समीर माऊजी. यस, या स्मॉल वर्ल्ड. इट इज अ स्मॉल वर्ल्ड. यस इट इज. तो हम लोग जो है वो जैसे स्कूल में, आई रिमेम्बर आई यूज टू वॉच, आई थिंक द शो का नाम था सारे दोस्त हमारे, जिसमें सोहेल राणा का म्यूजिक था. यस यस, या शायद, या है ना, शावा भाई शावा, और तेरी वादी वादी घूमू. तो वो सब उससे, वहां से काफी इंस्पिरेशन आता था. स्कूल में हम वो गाते थे गाने. और फिर बाद में हमारे जमात खाने में द फ्लूट बैंड हैड स्टार्टेड. अच्छा, तो उसमें आई गॉट अ चांस टू होल्ड माय फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट व्हिच वाज अ रिकॉर्डर, जिसको हम फ्लूट कहते थे वहां पे, इट्स अ रिकॉर्डर. और उसके बाद उसी एक दो साल में माय डैड ही बॉट मी अ लिटिल कीबोर्ड. अच्छा, तो वहां पे वी जस्ट स्टार्टेड, यू नो, मेसिंग विद दैट. और उसी टाइम पर, उसके 3-4 साल में, पाकिस्तान में एक पॉप कल्चर शुरू हुआ था. Of course, Nazia Hasan and Zoe Hasan were already there. Alamgir was already there. Yeah. But then we had a culture where the pop groups started showing up and evolving. Usme Vital Signs was one of the first ones, which was my all-time favorite. Abhi tak. Remember? Yeah, I remember. Long time ago. Yeah. Aur saath mein phir following that there was Strings, Junoon. Ji. वहां से बहुत इंस्पिरेशन आता. तो फिर वहीं पे वी स्टार्टेड राइटिंग एंड कंपोजिंग विद माय बडीज. या वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड्स इम्तियाज, हु इज इन इस्लामाबाद, एंड देन अनदर फ्रेंड ऑफ माइन मुराद, हु इज इन न्यूयॉर्क राइट नाउ. वी यूज्ड टू लाइक राइट एंड कंपोज. फिर यू नो दे हैड देयर ओन लिटिल ग्रुप व्हिच दे स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड पब्लिशिंग. दे वर फीचर्ड ऑन टीवी ऑल्सो. एंड देन आई हैड, हाँ, फिर देन आई हैड मूव्ड हियर फॉर स्टडीज, बट देन आई गॉट अ चांस टू ज्वाइन इंडियन पाकिस्तानी बैंड हियर. अच्छा, आई स्टार्ट प्लेइंग लाइव. जी, बट मैं लिख रहा था, कंपोज कर रहा था ऑल थ्रू आउट दिस टाइम. बट फिर इवेंचुअली यू नो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी टू काइंड ऑफ लाइक यू नो थ्रू आवर द इंस्टीट्यूशंस, वी हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट वी गेट टू कोलैबोरेट, कॉन्ट्रीब्यूट. तो वहां पे फिर द वर्क स्टार्ट पब्लिशिंग. यस, ये तो एक छोटा सा बैकग्राउंड है. या तो आपकी फैमिली में एनीबॉडी एल्स इंटरेस्टेड इन इट? आई थिंक मौसीकी से तो सबको ही लगाव होता है. अच्छा. हमारे घर में जैसे ग्रोइंग अप, बैकग्राउंड में गिनान हमेशा चलता रहता था. आई रिमेम्बर लिसनिंग टू द कैसेट्स फ्रॉम द लाइक्स ऑफ जाफर सादिक सुरमावाला, मेहदी सुरमावाला. जी, ठीक है. और फिर कमाल ताज.
कमाल जी था। बिल्कुल और इवन भजन भी सुनते थे हम उस टाइम पे, हाँ जो जी एक्सपोजर बिल्कुल था। फिर उस पर थोड़ा पॉप, जो यहाँ का 80s का जो पॉप था वो भी सुनते थे। तो जी मेरी मम्मी थोड़ी ज्यादा थी म्यूजिक की तरफ, डैडी से ज्यादा, तो वो उनका रुझान, मेरे बड़े भाई भी ही सिंग्स यू नो डिवोशनल हिम्स वेरी रेगुलरली, माय सिस्टर आल्सो पार्टिसिपेट इन म्यूजिकल एक्टिविटीज, तो सबका। लेकिन जो एक सॉर्ट ऑफ फॉलो किया जिसने, वो मैं ही था, आप ही द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, स्विमिंग ब्लैक टुडे। नो द म्यूजिकल शीप ऑफ द देयर यू फैमिली गो, म्यूजिकल शिप, आई लाइक दैट। यू लाइक दैट यस, थैंक यू सलमा जी, आपने बचा लिया मुझे। नहीं, वो ये तो खाली पार्ट वन था, जब भी स्काउट्स में थे मुझे पता है कि उधर कौन क्या होती थी स्टोरीज। आई रिमेम्बर अच्छा, स्काउट्स का एक अलग नहीं, प्लेटफॉर्म था। वो हाँ हमें नहीं, वो हमें इस वाले मीडिया पे नहीं बात करनी है, उसकी हम अलग से बात उसकी करेंगे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन स्काउटिंग का भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, बिकॉज वहां पे भी जो माहौल था, जो एनवायरनमेंट सेट था ना, उसमें आपको मौका मिलता था अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। यस वंस अ ईयर हमारी कैंप होती थी, जो अच्छा कि हाँ, हम वहाँ पे कैंप फायर होता था, जिसमें हम ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करते थे, स्क्रिप्ट अच्छा लिखते थे, डायरेक्ट करते थे, फिर उसको परफॉर्म करते थे। और अच्छा जो भी हमारे छोटे जो ग्रुप्स जो थे, उसको हम जी पेट्रोल्स कहते थे, अच्छा और उसमें सारे जो पेट्रोल लीडर्स लेके, असिस्टेंट पेट्रोल लीडर और सीनियर स्काउट, सब उसमें कंट्रीब्यूट करते थे, हिस्सा लेते थे, उसकी रिहर्सल करते थे अच्छा हम, और फिर हम उसको परफॉर्म करते थे या लाइव। 5 मिनट्स या वी शुड गेट 5 मिनट्स फॉर द होल आइटम दैट वी यूज्ड टू कॉल कैंप फायर राइट, आइटम। 5 मिनट्स बिल्कुल, पूरा लिखना, एक्ट करना, डायरेक्ट करना, यू नो वी शुड डू इट आवरसेल्फ। अच्छा दैट वाज द फन। अच्छा सो यू नो कमल, आई एम स्पीकिंग ऑफ लाइक इन कमल ताज सर, ही वाज आवर गेस्ट 2 weeks ago एंड हाँ हीज बीन टू कैलगरी एज़ वेल ट्वाइस नाउ, यू नो अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज फ्रॉम अस। तो आई थिंक यू परफॉर्म विद हिम टू। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो एक तरह के कमाल ताज सर के साथ, पहले तो वो जो गायबाना तारुफ हुआ था, क्योंकि हम उनके गाने सुनते थे, जी स्पेशली द सलवात सॉन्ग, यस और वो शाम मुझे याद आए, जो उनका जो एल्बम था, आई बिलीव जी इट वाज कॉल्ड इजहार ए इश्क, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसके बाद फिर जब यूएस में कमाल सर केम टू ह्यूस्टन, बिलीव इट वाज 2003, तो उसने कहा भाई कमाल ताज सर आ रहे हैं, तो वहां पे आई गॉट अ चांस टू अटेंड हिज वर्कशॉप एंड बी पार्ट ऑफ द लिटिल ग्रुप दैट वाज सिंगिंग द, वो जो एक क्वायर स्टाइल होता है ना, जी जो कोरस गाते हैं। जी तो वहाँ कमाल, कोरस कोरस हाँ ग्रुप जी, तो वो कमाल सर के साथ वहाँ पे बड़ा अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। फिर उनके साथ एक इमरान बुधवानी थे, जो यस कीबोर्ड जी बजाते थे। फिर एक एक बार जी फिर कमाल ताज सर आए थे, जब इमरान अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने कहा भाई उनके साथ अकम्पनी कौन करेगा, तो मैंने अच्छा हाथ उठाया। अच्छा तो कमाल सर के साथ ऑफ कोर्स यू नो, वो हमारे लिए एक बड़ी एक एजाज की बात है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, सही बात उनके साथ कोलैबोरेट करना। तो फिर वी वेंट टू नॉट ओनली इन ह्यूस्टन, बट वी ऑल्सो परफॉर्म्ड इन ऑस्टन एज वेल। सो वी डिड मल्टीपल परफॉर्मेंसेज वेर आई प्लेड, एंड दिस होल एक्सपीरियंस ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ हिम, गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, थ्रू हिम, सो वो बड़ा अच्छा एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थी। और आज तक अभी भी कमाल सर जब भी परफॉर्म करते हैं या अपना कोई गाना गाते हैं, तो इट्स जी ऑलवेज इट हिट्स द स्पॉट। या बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत ही उनकी शुक्र, आवाज में कुछ है, कुछ जादू है है उनकी आवाज में। हाँ उनकी आवाज में, बिल्कुल बिल्कुल जादू है। और जी, उनका जो एक वो जो गाना है ना, लेट मी सी हियर, वो शाम आई नहीं, वो जो वाला सलवात है ना, तलवार إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على
मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहु सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहु सल्ली अला। अहमद से मिल हटा कर नूरे अहद को देख लो, अहमद से मिल हटा कर नूरे अहद को देख लो, रहमतुल आलमीन में अल्लाह की रहमत देख लो, अल्लाह की रहमत देख लो। शाह करीम आले मोहम्मद, शाह करीम नूरे मोहम्मद, शाह करीम आले मोहम्मद, शाह करीम नूरे मोहम्मद, उन पर पढ़ो दुरूदो सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। तो हम जब भी ये गाना हम जब भी कमाल सर के साथ परफॉर्म करते हैं या जब भी हम इस गाने को गाते हैं साथ में ऑडियंस के सामने, तो बस यू नो द टीयर्स दे डोंट स्टॉप, यस नो दे ऑलवेज हिट्स द स्पॉट। तो और इसके बहुत सारे वर्सेस हैं, ये गाना तो अमर हो गया है, यू नो इट हैज लाइक पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स। तो बार बार आप इसका एक नया वर्स आता रहता है, वो सुनते हैं और कमाल सर की आवाज में सुनते हैं तो और अच्छा लगता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताएं, आपने इतने सारे लोगों के साथ म्यूजिक करा है, गाना गाया है, आपको हर एक के साथ मुझे लगता है कि अलग ही महसूस हुआ होगा, लेकिन आपने सबके साथ सबसे ज्यादा किसके साथ एंजॉय किया? दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज उसका रीजन ये है, इसका आंसर के सब एवरीबडी ब्रिंग्स देयर ओन प्योरिटी एंड एनर्जी इन द मिक्स। तो उसमें ये होता है कि आप ये नहीं कह सकते कि हाँ बिकॉज दिस आर्टिस्ट इज मोर एस्टेब्लिश्ड सो दिस आर्टिस्ट वॉज बेटर देन द अदर, ऐसा नहीं है। सब अपनी अपनी रूहानियत लाते हैं, अपनी अपनी प्योरिटी लाते हैं, तो अच्छा लगता है सबके साथ काम करके, अच्छा लगता है एज लॉन्ग एज यू नो हम वी कंटिन्यू टू वर्क, वी कंटिन्यू टू पुट समथिंग टुगेदर, वी कंटिन्यू टू परफॉर्म। और I will never like rank any artist as one better than the other, you know. किसी के पास training है proper तो उसको उसका advantage है, किसी के पास एक God given skill set है तो उसको शायद थोड़ा ज़्यादा advantage है, लेकिन लेकिन you also see a lot of individuals artists who bring in a very good team spirit, who have self taught और जिनके पास training नहीं है, लेकिन वो they bring a good positive energy. तो I think that's my answer to your question. तो अच्छा लगता है, लेकिन अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सेटिंग में काम करके बहुत अच्छा लगता है कि नई चीज सीखने मिलती है हमेशा। सही मिलते हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो कमाल भाई, यहाँ पे एक जो सवाल है उसका इरफान का सवाल है, I will ask you that question first. Okay. एक मुझे एक जो है सीक्रेट टेक्स्ट आया है कि कमाल की शादी हो गई है। वो चौक हो गया। कमाल चौक हो गया। मैं बिल्कुल चौक हो गया। और ये जो है ना, ये जलाल भाई जो है ना, मैं बताऊं, एक तो टेबल टेनिस के चैंपियन तो वो थे ही, ठीक है, वो हमेशा रेगुलरली जीतते थे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ही वाज द चैंपियन टेबल टेनिस। और जब वो खेलते थे अपने कजन अमीन के साथ, कमर साहब अमीन के साथ, तो हम बड़े शौक से उनको देखते थे, लेकिन साथ में वो बहुत अच्छे लेग स्पिनर भी हैं। तो अभी इन्होंने गुगली फेंकी है मुझे।
तो इनकी गूगल का जवाब ये है कि गुड नाइस ट्राई जलाल भाई. नहीं भाई, आपने जवाब सही नहीं दिया. और जवाब ये है कि यू नो यस आई बीन मैरिड अ लॉन्ग टाइम. लॉन्ग टाइम, देखो जलाल को ये भी मालूम. हैप्पीली मैरिड आई शुड से, राइट? हैप्पीली मैरिड. या Irfan is asking a question. He's saying, how much practice riyaz do you do on daily, weekly basis to polish your musical skills? You are not a musician by profession, yet you are a professional musician. What is your secret to be this good? Okay, it's a very beautiful question. I think I try to make a point to spend at least 30 minutes plus doing some sort of a musical activity. But that 30 minutes could go all the way up to 4 hours or 5 hours, even 6 hours. अगर आप कोई गाना बना रहे हैं या आप रिहर्सल कर रहे हैं, रिहर्सल जो हमारी होती है 2-3-4 घंटे टाइम निकल जाता है, पता नहीं चलता. एंड देन हमारी जो लाइव परफॉर्मेंसेज वगैरह होती हैं वो भी 3-4 घंटे की एटलीस्ट होती हैं. बट इरफान का मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा कि जब से हम लॉकडाउन में आए ना, तो मेंटली आई हैड ट्राइड डिसकनेक्टिंग माई सेल्फ फ्रॉम म्यूजिक. मैंने चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी में काफी कमी महसूस हो रही थी कि कुछ मिसिंग है. अदर थिंग्स वर आल्सो मिसिंग, यू नो, गोइंग एट यू नो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप और एट वर्क और एट यू नो एट योर किड्स स्कूल, अब वो सब मिस कर रहे थे. लेकिन म्यूजिक देन बिकेम द वेरी सोर्स ऑफ हीलिंग. वी वेंट बैक एंड वी सेड, यू नो व्हाट, लेट्स गो बैक टू कंप्लीटिंग द सॉन्ग्स दैट वी वंस स्टार्टेड राइटिंग एंड कंपोजिंग. एंड देन फिर हमारे जमात खाने में वी हैव दिस इस्माइली सीनियर्स मटकी बैंड, तो हम एक घंटा मिलते थे जमात खाने में, तो वी स्टार्टेड वर्चुअल क्लासेस ऑन जूम, सो वी नाउ मीट एवरी वीक. या वी हैव बीन डूइंग इट फॉर 2 months नाउ, सो एवरीबॉडी लॉग्स इन. एंड हमारी जो जी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, सो व्हेन यू से मटकी क्लासेस, सो व्हाट, प्लीज कैन यू टेल अस लिटिल बिट मोर अबाउट इट? यस यस, आई टेल यू. 2007 में when we were celebrating golden jubilee of Maulana Hazir Imam, at that point in time Maulana Hazir Imam ki taraf se kuch directives aaye the. The two main ones were, ek tha early childhood development aur dusra tha aging gracefully initiative. So as part of the aging gracefully initiative, there was a 5-bullet document, usme se ek bullet tha about self actualization. And hamare yahan jo Atlanta mein jo golden club ki leadership hai, they started this activity, a band for seniors, and they called it Matki Band, just because, you know, okay. Matki has a it's a traditional ek reference hai, ek significance hai ki bhai wo ghar mein to hota tha lekin usko as a percussion bhi use kiya jata tha. Ji to hamare kuch senior leadership yahan se gaye the Houston se Atlanta, unhone ye program dekha aur they brought this idea back to Houston. Then we started that activity here. We started that in 2010, so this is alhamdulillah our 10th year. Alhamdulillah, we have stayed active. And a big shout out and thanks to Salim Suleiman for featuring the Smiley Seniors Matki Band in Jubilee Mubarak. Agar aap dekhen wo kursi pe jo baithe hain boys and girls, you know, so wo that's Smiley Seniors Matki Band. Unhone Diamond Jubilee pe ek original song bhi likha tha jo maine compose kiya tha. It's part of my CD Reflections. Achha. It's written in Gujarati, so we that was an original song that was written by them. Or yes. So, to answer, you know, going back to the question we had from Irfan, now we are making a point to do something musical. And a huge shout out again to Salma ji, you, and of course Jalal bhai, ke wo aise platforms unhone create kiye, right? So that forces someone like me to stay engaged. शायद मैं आज ब्रेक ले लेता, मैं आज कुछ शायद 30 मिनट्स में परफॉर्म करता या कुछ और, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस आई हैड टू स्टे इन दैट जोन, यू नो. एंड ऑफ कोर्स लोग जो इतना इनकरेज कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो बड़ा उससे भी अच्छा लगता है, शुक्र. नहीं नहीं, ये तो अच्छा होना है. बट देन म्यूजिक इज समथिंग व्हिच यू रीचेस टू योर सोल एंड इट हैज यू नो कोई बैकग्राउंड नहीं कि कौन है क्या है. म्यूजिक ऐसी चीज है जो सब तक पहुंच जाती है. Time per like when you are at home, music connects you to so many different people. Bilkul. And it's so important that we get keep connected like this. I agree. Yeah. I agree. और वही बड़ा अच्छा लगा जो शुक्राना कॉन्सर्ट था कि we were able to see our other brothers and sisters from around the globe. Yes. You know,
sharing their musical expressions in a mm-hmm. different setting, in their own That's unique right. style. तो वो diversity बड़ी खूबसूरत थी. बड़ी खूबसूरत. है ना? कि हम एक जो गाना अगर हम एक गाना यहाँ गा रहे हैं, वही गाना अगर लिस्बन की बैंड गा रही है या यूनाइटेड किंगडम की बैंड गा रही है, या हमारे पाकिस्तान के जो अमेजिंग म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, सब अपने अपने अंदाज से उसको परफॉर्म कर रहे थे. yes, तो बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि उनके प्रोनाउंसिएशन किसी के थोड़े अलग से थे, बीट थोड़ी सी अलग थी, लेकिन सोल जो होती है वो फील हो रही. तो बड़ा मजा आया. आई थोरली एंजॉयड. That's okay, right. So, like, you know, there is a question from Riz Jadhav. Ji ji. So, okay, so after the question, I'm going to test your memory. So be ready for it. Okay, here's a question from Riz. Okay. Nobody, what advice can you give to a younger generation who might not be born with the language but have an interest to pursue our geets and Bollywood songs? Very good. Any encouraging words on that? Okay, I think it's a brilliant question. Yes, I'll say just... Good. Yes, it's a brilliant question. I think I make a point to perform these songs and be open to receiving the feedback. Just again, shout out to Riz Jadhav ji for creating this platform that he has created, as well as jo Suhana Safar initiative tha. Yeah. To usme agar kisi jaise Liam is performing, right? He was awesome. Yeah. Right? So if he makes a point, that's just one example of Liam as an artist and Suhana Safar as an initiative or a concert. But I say kai concerts or kai platforms hai. One should make a point to try to perform such expressions and be open to receiving the feedback. Yes. Ye bhai aapne yahan pe aap thoda improve kar sakte the, yahan improve kar sakte the. Hamare kai jo devotional hamari jo hymns hain, ginan jise hum kehte hain, jo hum recite karte hain jamaat khane mein. उसमें आप देखें कि रिगार्डलेस ऑफ वो जो लैंग्वेज बैरियर, यू सी ऑल किड्स ऑफ ऑल एजेस माशाल्लाह दे परफॉर्म ब्यूटीफुली. वो प्रोनाउंसिएशन भी उनके एकदम सही होते हैं बिकॉज दे हैव मेड अ पॉइंट टू लर्न एंड परफॉर्म. सो एज लॉन्ग एज यू स्टे इन टच विद यू नो कल्चर थ्रू म्यूजिक, इट विल बी ऑसम. या ओके, सो लेट मी टेस्ट यू सम योर मेमोरीज. आई होप यू आर ओके विद इट. गो फॉर इट जलाल भाई. क्या बात है, जबरदस्त. ओके, लेट सी इफ यू रिमेम्बर दीज पिक्चर्स. ओके ओके, लेट मी जस्ट सेट इट अप. श्योर श्योर. Okay, come on, do you remember this picture? Oh, this is a picture of our campfire. Uh-huh. And yeah, hamare jo jis camp ka hum zikr kar rahe the is waqt. Yes. And I know, I see my buddies here. Kaun kaun hai? jo mujhe ek to Malik hai. Jisne topi pehni hui hai. Phir Rahim Pyarali Pirani hai. I met him recently when I went to Pakistan last year. Phir Akbar hai. अकबर कौन? अकबर आपका ब्रदर इन लॉ. आप ये मेरे साथ ट्रिक क्वेश्चन कर रहे हो, मुझे मालूम है आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो. लिसन, यानी क्या, यानी कमल, डू यू नो, यानी अकबर तुमने बोला, राइट? जी जी. इज दैट हिम? अकबर है ना, सलवार कमीज में रहीम के साथ. यानी कौन है अभी? कहां पे? या नीचे को. अरे ये अकबर. गुड टू सी यू अकबर. या वेरी वेल, वेरी वेल. थैंक यू. ईद मुबारक टू यू ऑल. ये तुम्हारा पहला रिटन असाइनमेंट था जो मैं अभी पूरा तुम्हारा ब्रॉडकास्ट देख रहा था. उसमें तुमने बोला था कि यू स्टार्ट राइटिंग, दिस इज वाज द फर्स्ट टाइम आई गेट टू नो व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग. दिस होल आइटम वाज रिटन बाय यू, डू यू रिमेम्बर दैट? ये वो तो नहीं है, लकड़ी का प्याला, ये वो है. व्हिच वन इज दिस? आई नो यू गेव You gave me the Punjabi role in that one. Oh, अच्छा, मुझे याद नहीं है अच्छी तरह, लेकिन there is more for you. Okay, okay. How about him? You remember him? Oh my God, Noordin, of course. Noordin is भाई, मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है Noordin को देख के. Noordin की माशाल्लाह भाई, he has an amazing voice.
किसी दिन आप अपने शो पे नूरदीन को बुलाएं और उनसे कहें कि कुछ गा के सुनाए. सो नूरदीन, सिंस नूरदीन इज हियर, आई शुड ऑल्सो टेल यू कि हमारा जो पहला बैंड था वहां पे, उसके पहले सिंगर नूरुद्दीन ही थे. अच्छा, बहुत खूबसूरत आवाज है इनकी और बहुत प्यारा गाते हैं, बड़ी अच्छी सोल है इनकी. सो अकबर और नूरुद्दीन, निजार तो नहीं है ये? निजार, ओह माय गॉड, निजार क्या हाल है? सो गुड टू सी यू भाई. वाओ, ये सारे यूजुअल सस्पेक्ट्स आप एक एक करके ला रहे हो, यू नो, जबरदस्त, बड़ी खुशी हो रही सबको देख के. अच्छा कमाल, हाँ गो अहेड. इम्तियाज ने भी बहुत सारा रिगार्ड्स दिया है, मैंने उसको बोला था लाइव आने के लिए, बट सम ऑफ हिज प्रायर कमिटमेंट्स ही कुड नॉट जॉइन अस. ओके ओके ओके, बट ही सेंड्स अ वेरी बेस्ट बेस्ट विशेस एंड बेस्ट बेस्ट रिगार्ड्स. और मेरी तरफ से भी तुमको बहुत 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 कामयाबी मिले. आमीन. और तुम अपने फ्यूचर के सारे एंडेवर में बहुत सक्सेस हो और इसी तरह तरक्की करते रहो, और मुझे बहुत खुशी होती है तुमको इस तरह देखकर. आमीन आमीन. थैंक यू सो मच अकबर, बड़ा अच्छा लग रहा है इतने टाइम के बाद बात करके. और मुझे जिस तरह नूरुद्दीन और निजार घूर रहे, मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि मुझे बस पुरानी यादें ताजा हो गई. जला भाई, आपने तो बड़ी इससे अच्छी सरप्राइज हो ही सकती थी कोई. यार एक्चुअली मेरी उम्र के साथ थोड़ी तो मैं देख रहा हूँ, आई सी फिरूज सर, आई सी अमीन मोहम्मद जानी. अच्छा, वो यार ये पैसेडीना में जो सेंट जेसेंडो कम्युनिटी कॉलेज के पास जो रेस्टोरेंट जहाँ हम लोग खाते थे अकबर बिटवीन आवर क्लासेस, चाइनीज फ्राइड राइस, वही ना, एक्टर वाइट एक्टर पाइटी, आई रिमेम्बर दैट. या आफ्टर स्कूल कॉलेज के ब्रेक के बाद. यस यस, I got so many beautiful memories. I see all the yes, Tan sir and Firdaus sir, Amin Mohammed sir, Amin sir. Aur Kamal, tumko ye bhi cheez bata dun ki tum, you have been following me all the way along. Pehle main Habib school mein tha, you came over there. Then I went to flute band. Then I went to flute band. You follow me over there. Uh-huh. Then I went to scouting. You follow me over there. But then I went to Houston. But I thought you were in BVS. Weren't you in BVS? Yeah, but before BVS, I studied 2 years in Habib school. Acha. I didn't know that. Okay. Okay. Then you follow me to Houston. And I was a roommate of your brother. That's right. By the way, tell Nizar Haji that I said hi. I will definitely say that. I'll deliver your message. और उसके बाद फिर कॉलेज में भी मेरे को फॉलो किया, एंड देन आई फाइनली गिव अप ऑन यू, सो आई मूव टू डैलस. नो नो, एक्चुअली आई मेक अकबर स्टैंड करेक्टेड ऑन दिस, बिकॉज़ अकबर से एक साल पहले मेरा बड़ा भाई था, तो जहां जो जो जगह बताई उसने, स्कूल, डीजे साइंस कॉलेज, ह्यूस्टन, वहां पहले मेरा बड़ा भाई गया था, उसके एक साल बाद अकबर गया था, और उसके 2 साल बाद मैं गया था. तो उसने स्काउटिंग कभी ज्वाइन नहीं की थी. स्काउटिंग में भी था भाई, वो शाइन स्काउट्स में था वो. ओके, बट देन वो फिर वो सीधे रास्ते में निकल गया, तो यू नो वी मिस्ड. नूरुद्दीन, हाउ आर यू डूइंग? नूरुद्दीन, से समथिंग भाई. देन ही वेंट टू शूज कंपनी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ही डिड एंड ही वाज वेरी एक्टिव इन आरईसी वाइस क्लासेस वगैरह. यस I was just thinking about our first concert that we had. You, me, Amir. I think it was me too. हाँ हाँ हाँ. उसके cousin की शादी में गए थे अपन, right? Remember वो उसके building में गए थे. हाँ, बिल्कुल मुझे याद है. There was something. There was something. And I remember Nurdin, you were the one who had exposed us to this song from Lionel Richie. Hello. Hello. let me see if I remember. Yeah, let's do it. सिर्फ एक लाइन होगी. I've been alone with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips 1,000 times. Da 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 da. Hello, is it me you're looking for? Something like that. Something.
Something along those lines, yes. Yes. Yeah, Nishabha, what do you want us to do for you guys? So we can say bye. Nizar, that's a question for you. Uski aadat ghurne ke bhi tak gayi nahi Nizar ki. Woh aise aise ghur raha hai. Akbar, yeah, like you know. Tere ko main roz dekhta hu jawab nahi. When was the last time Kamal in Toronto? I think. Huh. We met in the Aga Khan Museum. We met. Yes. Yes. Very good memory, Noordin. We met at Aga Khan Museum. You were there with your family and your mother. And see my mom. Yes, I met her there. Absolutely. She's doing okay. Shukr. You know, my dad passed away, right? Yes, of course. Yes. And then I met your sister at a funeral in Toronto. Toronto. She mentioned, right? Yeah. And she said, my father-in-law passed away, and your dad passed away. I'm sorry about that, because we never got in touch. But they're in a better place. Shukran. Yeah, but other than that, I don't follow you on social media, because I'm not active on social media, but I do get updates from my sister all the time. Right. And then I see some posts in DBSU. Of course, that's I'm glad in that group. DBSU, that's correct, yes. DBSU is where I get all your updates. There you go. And you know what? I want to take a point and say, again, thank you to Akbar, Noordin, and Nizar, that, you know, these olden friendships and connections through family and friends, they mean the most. Because ye sab dusri cheeze to chalti rehti hai, lekin jo aapke jo long-term friendships hain or new friendships, sincere friendships, that's the asset that one should be thankful for. Okay? Kyunki khushi milti hai ye chehre dekh ke sare, you know? हालांकि निजार इतना घूर रहा है फिर भी उसको देख के कुछ खुशी खो रही है। देखिए मेरा चेहरा ऐसा है कि तो लगता है मैं घूर रहा हूं। चलो गाइस थैंक यू सो मच यार अकबर नूरदीन थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू अगेन फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड कमिंग थैंक यू अकबर थैंक यू नूरदीन थैंक यू निजार रिगार्ड्स टू द फैमिली थैंक यू यार मदद थैंक यू वाओ ए जलाल भाई ये तो आपने जबरदस्त एक और गुगली फेंकी ये वाकई ये टेबल टेनिस प्लेयर कम है और लेग स्पिनर ज्यादा है विद एक्सपर्टीज इन गुगलीज लाइक यू नो व्हाट वी आर लर्निंग ऑन द यू नो हमारा एंड ही इज गेटिंग बेटर एट इट ही इज गेटिंग बेटर एट इट एंड वी आर प्राउड ऑफ हिम वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम ओ यार निजार सॉरी यानी कम ऑन जी जी व्हाई डोंट वी लिसन समथिंग एल्स कोई भी एक मेलोडी हो जाए Before I lose my voice, since I'm losing my voice, I want to go ahead and sing a few lines of the new song that we have released. करता रहा तेरी इबादतें महफूज हूँ तेरी राह में करना हिफाजतें मैं मुरीद हूँ खादिम तेरा मैंने किया खता तू हो ना गफाव दे दे शिफा मालिक मेरे तेरे बंदे हम कर नजरे करम मालिक मेरे तेरे बंदे हम कर नजरे करम اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اب سکھا دے مجھے بندگی کا قرینہ دکھا دے مجھے کعبہ اور مدینہ میں نے کی ہے خطا تو ہو نہ خفا دے دے شفا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
मुटका हुआ बंदा तेरा कितने किए हैं गुनाह, अब लौट के आया है वो फिर से तू अपना बना, हो दिखला दे तू सिरात मुस्तकीम, दे दे हमें पनाह। सारी रात मैं गिनता रहा तेरी नेमतें, मैं मुरीद हूँ खादिम तेरा, मैंने की है खता तू हो ना खफा, अब दे दे शिफा। मालिक मेरे, मालिक मेरे, तेरे बंदे हैं हम, कर नजरे करम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। It was beautiful, Kamal. MashaAllah, MashaAllah, kya baat. Shukran, Abdul. I just had to sing it raw. Sorry, maine practice nahi kiya tha usko chord words ke saath, to I just went ahead and. Nahi, phir bhi bahut acha lag raha tha. Shukran. It was really Thank you so good. much. Shukran, Abdul. Shukran, Abdul. Yeah, we pray that aap all se aur better hote jaye. Thank you so much. So, you know, jab wo likha tha Jubilee Mubarak Maula. Ha ha. उसमें जो है ताजिक लैंग्वेज भी थी, ताजिकिस्तान की। जी जी बिल्कुल थी। जुबली मुबारक के केस में इट वॉज ऑलरेडी कम्पोज बाय सलीम सुलेमान, एंड व्हाट आई हैड टू डू वाज जस्ट राइट लिरिक्स ऑन इट। बट बिफोर वी डिड दैट, हे सैम, सैम फ्रॉम कैलगरी इज हियर। सो What I did was I had put down my thought process कि क्या लिखना है और क्या एक कहानी है basically। Hey Kareem, या अली मदद, Kareem is here। तो उसमें पूरा जो song था पहले उर्दू में लिखा था, बाद में हमने इसमें English की lines डाली थी और ताजी की lines डाली थी। बट जो fourth lines थी दोनों verses में, जो मतलब first verse था which was अल्लाह की इनायत है शुक्र है मौला, सिलसिला इमामत है जिक्र है मौला, guide us through the light and dark, show us the path मौला, बरकाती भी शुमार दिल शौजमार। तो द ओरिजिनल लाइंस वर बरकतें बेशुमार हैं, खुश है जमात। दैट वाज, बट देन सलीम सुलेमान हैड रिक्वेस्टेड कि वी नीड अ पर्शियन लाइन हियर, ताजिकी लाइन। सो देन आई हैव अ कपल ऑफ ताजिकी फ्रेंड्स हियर, उन आई रैन बाय दिस थॉट कि भाई अगर मुझे इसको ट्रांसलेट करना हो, हाउ डू यू से बरकतें इन पर्शियन और इन ताजिकी लैंग्वेज। सो दे सेड बरकतें इज बरकौत, एंड आई सेड व्हाट इज बेशुमार, दे सेड ओ बेशुमार इज बीशुमार। So same, it was basically the same set of words, but they were recited and expressed differently. Barakati bi shumar. And then khush hai jamaat was, they gave a couple other options which were not fitting seamlessly. So I had myself asked if I could use happy dil shod. So they said, yes, you can use dil shod. So barakati bi shumar, dil shod, jamaat. And same goes with the second verse. Fourth line, which was we are so thankful for your love, wala mera ye iman hai tune geba mala, hasrat e deedar hai bas yehi armaan hai, salawat o tilawat
صدای فرمان. سو جو اوریجنل لائن واز سلوات کا ورد ہے اور گونجا تیرا فرمان. سو دین آئی ہیڈ جو ورد ہوتا ہے وین یو ریسائٹ سم تھنگ اٹس آلسو کالڈ ان پرشین تلاوت ریسائٹیشن بٹ دین تلاوت ہیز ڈوئل میننگ تلاوت از آلسو ریسائٹیشن آف قرآن شریف سو دیٹس وین وی سیڈ اوکے سلوات و تلاوت اینڈ دین انسٹیڈ آف گونج دے ٹولڈ اس صدا صدا از ناٹ اونلی کہ اٹس اے گونج بٹ اٹس آلسو اے پکار کہ ایکسپیکٹنگ اے فرمان اور امید فرمان سو سلوات و تلاوت صدای فرمان سو اینڈ آف کورس یو نو دا پروڈکشن واز سو ایکسلنٹ اینڈ دا سنگرز ور سو امیزنگ Yeah. I just, you know, yeah, shukr alhamdulillah. It was amazing. Yeah. Yeah, mashallah. Yeah. Mere khayal se jab tak ye COVID chalta rahega, aap log virtually bhi aur waise bhi bahut zyada acche hote jayenge apni music and writing and apni singing mein, because it's giving you time to listen to other people, you know, that makes such a difference. And you learn from listening a lot from others. انشاءاللہ بہت اچھا آپ کا تھاٹ ہے یہ کہ ہمارے پاس ٹائم ہے اس وقت ریفلیکشن کا کیونکہ یو نو وی آر سٹینگ ہوم الاٹ تھوڑا ایک بریک ملا ہے ہم جس چیز کی جنرلی آدمی شکایت کرتے ہیں نا کہ یار رش آور میں پھنس گیا یو نو آئی اسپینڈ 90 منٹس یو نو گوئنگ ٹو ورک اینڈ 90 منٹس کمنگ بیک ایٹ سیم ٹائم یو ہیو اٹ بیک ناؤ یو نو کہ مجھے یار ٹائم نہیں مل رہا اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں مل رہا تو آل آف دیٹ از ناؤ Allah has given this to the world. yeah, bilkul. Yeah. You know, kafi sari achhi cheezein bhi hui hain COVID ki wajah se. Zahiri baat hai ke there have been lots of bad things happening too in the families. But agar hum usko positive tarike se lein, to it's been a, in some ways, it's been a blessing also. It definitely is a blessing. It has been a blessing. And I'm so glad you brought up those who are struggling, especially jo daily wage earners hain. Wo jo ek tabqa hai, jo rely karta hai day-to-day income pe. Kya unki struggles hain, hamein nahi pata. I'm sort of, ye bhi hai ki jis setting mein rehte hain, we are also stuck in a bubble. We don't realize ke ek pura ek segment hai insaniyat ka, جو اس وقت ہارڈ شپ سے گزر رہا ہے بالکل صحیح سو وی شوڈ ایوری ڈے وی شوڈ میک اے پوائنٹ ٹو کاؤنٹ آور بلیسنگز اینڈ وی شوڈ پرے فار دا سولز ہو آر اسٹرگلنگ اور فیسنگ ہارڈ شپس اینڈ وی شوڈ آلسو میک اے پوائنٹ ٹو ٹرائی ٹو ہیلپ دیم ان واٹ ایور شیپ اور فارم ان واٹ ایور وے جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں ہاں اینڈ آئی ایم ریئلی تھینک فل فار یو نو دس انیشیٹو دیٹ از بین ٹیکن بائی آ خان فاؤنڈیشن آئی نو دیٹ week prior to the Shukran concert, Salim Suleiman had done this concert on the Smiley TV where they were also doing fundraising. Jee. So usme wo bhi ek just ek avenue hai, you know, for us to, you know, make our contribution or do our part. Whatever we can. Yes. We have to come together. All of us, we have to come together at this point in time, regardless of our ethnic, national, religious affiliation and work as one humanity. Bilkul. Kisi tarah se bhi aap help kar sakte. Kisi tarah se bhi help kar sakte. Ji. Help kar sakte. Ji. Chota Kamang, yahan pe message hai Suleiman Nusrat. If you remember, Suleiman Nusrat Gilani. Suleiman Sir. Yes. Suleiman Sir jo hai wo. Yes. Bilkul. Taj ka bhi message hai yahan pe, say hi to you. Everyone is watching your show. Everyone is listening and watching you. So Kamal, you know, what's his name? Farhan Shah from Australia. Yes. He's an amazing singer, mashallah. He was on the show on Saturday. Okay. I think he talked about each and every artist from the Jubilee Mubarak, everyone. Uh-huh. And he was so humble and so nice. You know, he said, like, you know, really couple of good lines about you as well. Shukran. Ye bada acha lagta hai ki ek artist dusre artist ki apna taarif kar raha hai, uska hausla afzai kar raha hai. I think it will encourage you. I think we want to see more of the, you know, those kind of things. Every artist. Yaar, ye aapne badi achhi baat ki hai ki
क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर वन ह्यूमैनिटी बट एज अ पार्ट ऑफ दिस आर्टिस्ट कम्युनिटी वी शुड ऑल्सो मेक अ पॉइंट टू अप्रिशिएट अदर पीपल्स कोलैब लाइक कॉन्ट्रीब्यूशंस और जिनके आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है. I know there is always healthy competition that should be there also so that aap apna product acha karte rahe. Yes. Share karne se pehle. Lekin generally ek appreciation encouragement ka mahol hona chahiye ki jahan pe aap jaise Farhan hai right. Ab Farhan ko in sab technology ki zarurat nahi aap usko de dein ki pe aise raw ga wo ga dega. Yes. Theek hai so I'm making a point to acknowledge that. Yeah. Just generally also I of course you know you mentioned him so I am highlighting his strength. You know, he's also a very good songwriter. So those are the types of things I think we should do more often where we should support each other and also try to work as, you know, one entity and help each other in our musical endeavors. So I'm so glad you brought up that point, Jalabhai. Yes, yes. Now, you know, like before I let you go, एक हो जाए मेडली हो जाए जो हमारे हम सुनते थे पाकिस्तान में ट्रेडिशनल एनीथिंग. हाँ हाँ तो आपने वो जो कहा था ना आलमगीर. यस आलमगीर जो है उसका मैं एक गाना हम जब लाइव शोज करते थे ना जी आवाज ठीक आ रहा है. यार उसका आलमगीर का एक गाना जो है ना मुझे बड़ा पसंद है. Or I had the opportunity to perform live with Alamgir here multiple times. Or मैं आपको बता नहीं सकता कि वो जो जज्बात जब थे ना उनके साथ लाइव ये गाना परफॉर्म करते वक्त. ये गाना हम लोग जब मैं हमारा जो फर्स्ट बैंड था जब हम परफॉर्म करते थे इस गाने को तो वो हमें रेस्ट ऑफ द शो के लिए एनर्जाइज कर देता था. Let me see the tempo here. ठीक है. So let me go ahead and play this song and I'll try to sing a little bit also. समझ लेना बातों से कोई तो रहता है सांसों में जाने जा आज तू पास है मैं अब और किसी से क्यों मिलूं जाने जा आज तू साथ है तेरी ही सूरत है वक्त तो ऐसे निकला मुझे पता ही नहीं चला
आई हैव टू अटेंड अनदर ज़ूम कॉल व्हेन आई मस्ट और एक्सटेंड कर दे रहे जी 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 बहुत अच्छा इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके सेम सेम और बड़ा मजा आया आपको सुन के आपसे बात करके एंड हम दुआ करते रहेंगे कि हमेशा अल्लाह ताला आपके साथ रहें और आपको हमेशा तरक्की दें और बहुत अच्छे गाएं लिखें कंपोज करें जो भी आपके सारी जो आपकी ख्वाहिशें हो हमेशा पूरी हो तो ऑल द बेस्ट कीप सेफ कीप हेल्दी आमीन एंड टेक केयर and nice seeing you now so thank bahut bahut shukriya salma ji thank you so much in calgary inshallah inshallah one of these days thank you jalal bhai for jalal bhai thank you so much for this platform jalal bhai salma ji aap logon ne jo ek platform create kara hamare smiley artists ke liye specially ji I think we should as smiley artists appreciate this and not for a second take this for granted ke kyunki एक के बाद दूसरे स्माइली आर्टिस्ट को आप फीचर करते हैं और इतना सारा प्यार मिलता है यू नो वी हैव सो मच सपोर्ट सिस्टम वी हैव थ्रू यू नो रिज यादव जी यू नो माय फ्रेंड्स हु वर ऑन द कॉल फैमिली मेंबर्स तो वी आर आल्सो थैंकफुल फॉर व्हाट यू आर डूइंग फॉर आर्टिस्ट कम्युनिटी सो थैंक यू फॉर दैट थैंक यू फॉर दैट ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन आई से थैंक यू टू यू अरे थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू जब भी कोरोना वायरस खत्म होगा आई विल मेक अ प्लान फॉर कैलगरी एंड देन यू हैव टू कम डन डील है ठीक है थैंक यू जलाल भाई थैंक यू सलमा जी बाय एवरीवन टॉक सून इंशाल्लाह बाय बाय एवरीवन इंशाल्लाह इंशाल्लाह गाइस वन एंड ओनली कमाल हाजी फ्रॉम ह्यूस्टन थैंक यू वाओ व्हाट अ शो या इट वाज गुड या